नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में परिवहन के भविष्य पर दिया 7C का फॉर्मूला। दिल्ली में पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर बोले, अर्थव्यवस्था को गति और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सस्ते और सुगम परिवहन की भूमिका अहम। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही नई नीति लाने की कही बात। SC ST कानून में संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। केंद्र से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। सरकार ने कहा नए कानून की नहीं की जा सकती समीक्षा। दिल्ली में लाल किले के पास से 2 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से है आतंकियों का ताल्लुक। हथियारों की बरामदगी के बाद आतंकियों से पूछताछ जारी। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू शिकागो में आज से शुरू हुए दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका दौरे पर। 1893 में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। रविवार दोपहर 12 बजे उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू करेंगे संबोधित। और भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में इंग्लैंड की सधी हुई शुरुआत। मेजबान टीम ने 1 विकेट खोकर बनाए 117 रन। एलिस्टर कुक और मोइन अली क्रीज पर। रविंद्र जडेजा ने चटकाया पहला विकेट। सीरीज में 1-3 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया की साख बचाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण और सड़कों के जाम से निपटने के लिए अब समय सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों का है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और स्मार्ट चार्जिंग की सुविधा विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 7C का भी खास जिक्र किया। जैव ईंधन से प्रदूषण, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर, सड़कों पर जाम और वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या वो कारण हैं जिनका समाधान खोजने के लिए दिल्ली में शुक्रवार को पहले विश्व मोबिलिटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा और अब इलेक्ट्रिक यानी बैटरी चालित वाहनों की दिशा में पहल कर दी है। उन्होंने इसे समय की जरूरत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाहनों और बैटरी के निर्माण के लिए निवेश के साथ वैल्यू चेन स्थापित करने की जरूरत है। वी वॉन्ट टू बिल्ड इंडिया एज ए ड्राइवर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वी विल सून पुट इन प्लेस अ स्टेबल पॉलिसी रेजिम अराउंड इलेक्ट्रिक एंड अदर ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स। पॉलिसीज विल बी डिजाइन एज अ विन-विन फॉर ऑल एंड एनेबल ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति लेकर आने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप हब बन चुका है। पीएम मोदी ने इस दौरान 7C का फॉर्मूला दिया जिसके तहत कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री, चार्ज, क्लीन और कटिंग एज भविष्य की मोबिलिटी का आधार है। आई एम कन्विंस्ड दैट इंडिया इज बेस्ट प्लेस ग्लोबली टू बी एन अर्ली मूवर इन द मोबिलिटी इकोनॉमी। माई विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन 7C, कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री, चार्ज, क्लीन एंड कटिंग एज। इस सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्रियों ने मोबिलिटी पर अलग अलग सत्रों में चर्चा की। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी प्रेजेंटेशन दिया और सरकार को सहयोग का वादा किया। दुनिया के अलग अलग देशों से भी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग की पहल पर आयोजित ये कार्यक्रम 2 दिनों का है और शनिवार को सस्टेनेबल मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन में शेयरिंग और कनेक्टिविटी पर मंथन होगा।
सम्मेलन में अलग अलग कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का भी स्टार लगाया हुआ है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन में विभिन्न कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों और नई नई तकनीकों से लैस बसों, कारों, बाइक और साइकिल तक का प्रदर्शन किया। इन वाहनों में अब परंपरागत लेड बैटरी की जगह लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक साइकिल की क्या खूबियां हैं। ई मोबिलिटी के तहत बस है, कार है और स्कूटर है, उसके अलावा साइकिल भी है। और साइकिल के तहत हम इस समय मौजूद हैं हीरो, जो हीरो का स्टॉल लगा हुआ है और जो उसकी ई साइकिल्स हैं उनके सीईओ हमारे साथ हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम पार्था चौधरी है। और ये किस तरह से, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी भी है, इसमें मोटर भी है, ये क्या, इसकी स्पेसिफिकेशन बताइए और प्राइस बताइएगा। इसके अंदर एक लिथियम आयन बैटरी है, इसके डाउन ट्यूब के अंदर, इसका कंसील बैटरी तो आप बाहर से देख नहीं सकते हैं। और एक मोटर है यहाँ पे जो कि एक 250 वॉट ब्रशलेस मोटर है। तो ये जो बैटरी है ये जब आप इसको तीन तरह के मोड पे चला सकते हैं। एक, या तो आप इसको स्विच ऑन ना करें तब तो ये नॉर्मल एक बाइसिकल की तरह चलेगा। जब आप बैटरी को स्विच ऑन कर लेंगे और पेडल करेंगे तो उसको पेडलेक्स मोड कहते हैं। उसमें आपका एफर्ट जो है करीब 90% से कम लगेगा। आप थ्रॉटल के साथ चला सकते हैं। अगर आप थ्रॉटल के साथ चलाते हैं तो ये एक नॉर्मल बाइक की तरह चलता है, नॉर्मल स्कूटर की तरह चलता है, फिर आपको कोई पेडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन मोड में चलती है गाड़ी। इसका प्राइस हो गया या फिर किलोमीटर्स वगैरह वो कैसे? इसकी प्राइस जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी रिलेटिव प्राइस क्या है। इसमें 7 पैसा 7 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आप चला सकते हैं, जबकि एक स्कूटर या मोटरसाइकिल को चलाने के लिए 1.5 से 2 रुपया पर किलोमीटर खर्चा होता है। तो ये जो है 27,000 रुपया की तो है, लेकिन आप एक 5,000 रुपया में इस बाइक को खरीद सकते हैं डाउन पेमेंट देके। और बाकी जो इसकी ईएमआई है, जो आपकी फ्यूल की ईंधन की बचत होगी, आप उससे पे कर सकते हैं। तो एक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उनको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बैटरी रास्ते में ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे। इसमें अगर ख़त्म हो जाए तो आप पेडल करके घर जा सकते हैं, क्योंकि बैटरी से ये 30 किलोमीटर चलेगा एक बार चार्ज करने के बाद। भविष्य का कह लीजिए या फिर कह लीजिए वर्तमान का ये मोबिलिटी है साइकिल। हालांकि कीमत अभी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा जैसे जैसे इस्तेमाल इसका बढ़ता जाएगा कीमतें इसकी जो है वो कम होगी और आम लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। शिव कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेक गणराज्य की रक्षा कंपनियों से भारत के बाजार का फायदा उठाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ साझा उपक्रम स्थापित कर सकती हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोशे जेमान के साथ वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा सहयोग की समीक्षा की और इसे बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए चेक गणराज्य व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में भरोसेमंद साथी है। वी आर डिटरमिंड टू मूव फॉरवर्ड टू मेक इंडिया ए ट्रूली डेवलप्ड कंट्री एंड टू सी दैट इंडिया अर्न्स इट्स राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। आई होप दैट द इंडियन कम्युनिटी इन द चेक रिपब्लिक विल डू इट्स अटमोस्ट टू स्ट्रेंथन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। और SC/ST एक्ट में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के आदेश को लागू करने की अपील की गई है। SC/ST कानून में संशोधन के जरिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। FIR उसकी वो लॉन्च कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं होगी और ना ही उसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस चीज को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को देखा क्योंकि इसमें मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो फेक FIRs होती हैं, कन्विक्शन का रेट है वो 2 या 3% है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एंटरटेन किया, इशू नोटिस किया और सरकार को सिर्फ 6 वीक्स का शॉर्ट टाइम दिया। 6 वीक्स के अंदर सरकार को आके जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर को कैसे उसको हटा के अपना नया कानून। हालांकि कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र का पक्ष जाने बिना रोक लगाना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने 20 मार्च को एससी एसटी एक्ट कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा और जांच के बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी। सरकार की तरफ से भी वादा करना चाहता हूं कि इस कानून का मिसयूज नहीं होगा। जो अत्याचार करेंगे उनके ऊपर ही कानून लगाया जाएगा। जो अत्याचार से संबंधित नहीं है ऐसे किसी इनोसेंट आदमी पर इस कानून का उपयोग नहीं होगा। लेकिन इस कानून को रद्द करो या इस कानून को रद्द करने की मांग करने से अभी कानून रद्द हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को संसद के मॉनसून सत्र में मंजूरी मिल गई थी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की ओर से हत्या की वारदातों को रोकने संबंधी अपने आदेश को लागू करने में देरी पर शुक्रवार को राज्यों को चेतावनी दी। कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए राज्यों को एक सप्ताह का समय दिया है। जुलाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकारों को भविष्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए दंडात्मक कदम उठाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारों से ये पूछा कि दिशा निर्देशों पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इससे जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। 16 राज्य अभी तक अनुपालन रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग में शामिल लोगों को सजा देने के लिए संसद को अलग से कानून बनाने का भी सुझाव दिया था। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि भीड़ तंत्र की करतूतों को सहन नहीं किया जा सकता। यह लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मदुरई सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कला निधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीएसएफ ने सीमा पार से आने वाले रोहिंग्याओं पर बिल्कुल रोक लगा दी है। बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने आज ये बात कही। उन्होंने ये बताया है कि जाली नोट की तस्करी रोकने में भी बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने शुक्रवार को सीमा पर सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा पार से अवैध रूप से भारत में घुसने वाले रोहिंग्याओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जो रोहिंग्या पहले से भारत में हैं, उन पर नजर रखना जरूरी है। To enter India, but I am very happy to say that we did not let them succeed. BSF महानिदेशक ने कहा कि बांग्लादेश सीमा से भारत पहुंचने वाले जाली नोटों में भी भारी गिरावट आई है। उन्होंने इसके लिए बॉर्डर गार्डिंग बांग्लादेश यानी BGB के सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत बांग्लादेश सीमा पर मात्र 11 लाख के जाली नोट पकड़े गए हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी कम है। The seizure is 11 lakhs only, which is, if you see the entire economy of the country, 11 lakhs is nothing. Earlier it used to be the entire seizure in 1 year used to be in crores. So this is what I am trying to say, that it has come down and it has come down considerably after the demonetization. बीएसएफ महानिदेशक ने कहा कि मानव तस्करी रोकने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस साल 11,000 से अधिक लोगों को सीमा पार करते हुए बीएसएफ ने पकड़ा है। रविंद्र सिंह शौरण, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही सीमा पर स्मार्ट फेंस लगाने के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट फेंस जम्मू में काम कर रही है। गृहमंत्री 17 सितंबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। भविष्य में इस स्मार्ट फेंस को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमा पर लगाया जाएगा। सीमा पर लगाई जाने वाली इस फेंस में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सीमा पर भी सीमा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक गैजेट्स लगाए जा रहे हैं। In the days to come, we have identified the vulnerable areas on both the borders, Pakistan and Bangladesh, and we will install these technical solutions in a phased manner. And roughly, an area of 2,400 kilometers has been identified for rolling out this CIBMS. Ultimately, it may take maybe 2-3 years, maybe more. और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों का संबंध इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गुरुवार रात लाल किले के पास से गिरफ्तार किया। इसका खुलासा शुक्रवार को किया गया। ये दोनों कश्मीर से हैं। पुलिस से गिरफ्तारी में बड़े पैमाने पर हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी है। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने देश में आतंकी गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय और पुलिस को अलर्ट किया था। कुछ दिनों पहले एनआईए ने हैदराबाद में एक बाशिद नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया था। जमशेद ने बाशिद का भी दिल्ली से मूवमेंट फैसिलिटेट किया था, ये उससे मिला भी था और उसका मूवमेंट फैसिलिटेट किया था। वो भी इसके टच में था जिसके थ्रू ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। ये इम्पोर्टेंट कैच इस सेंस से है कि ये एक दिल्ली को एक ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें इनके एफर्ट्स को रोक दिया गया और इनके वेपन्स सीज कर लिए गए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास आज एक पुल ढह गया। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त ट्रक पुल पार कर रहा था। ये पुल मानगंज इलाके को सिलीगुड़ी से जोड़ता है। एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब कोई पुल गिरा है। इससे पहले 4 सितंबर को कोलकाता में माजरहाट पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 25 लोग घायल हुए थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो बाढ़ से तबाह हुए केरल को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज ये बात त्रिशूर जिले में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार को मदद मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पीड़ित इलाकों में मेडिकल सुविधाएं बहाल करने के लिए जो काम हुए हैं उन पर भी संतोष जताया है। उनके साथ केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा भी थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केरल को अब तक 73 मीट्रिक टन दवाएं, 2.25 करोड़ क्लोरीन टैबलेट, 80 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर, 4 लाख यूनिट सैनिटरी नैपकिन समेत बाकी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। केरल में बाढ़ की वजह से 491 लोगों की जान गई, जबकि लाखों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। ओडिशा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के कारण आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव होने की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान पारादीप, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर में भारी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। कटक, भुवनेश्वर, मेट्रो सिटी और केंद्रपाड़ा के अधिकांश निचले इलाकों में पानी भर गया। अखुआपाड़ा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पानी भर गया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर की तरफ और पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट के पास समुद्र की स्थिति काफी खराब होने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आज बंद रखने का आदेश दिया है। भुवनेश्वर में स्कूल आज बंद रहे। कटक शहर में गुरुवार को भी स्कूल बंद रहे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद बुंदेलखंड में बारिश का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में
भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन को राज्य में शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए कहा गया। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से पिछले 48 घंटों के दौरान 40 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कल 18 लोगों ने भारी बारिश से जुड़ी घटना में जान गंवा दी। राज्य के विभिन्न भागों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों गोंडा, बलरामपुर, बस्ती का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुई एक बस मोहनरी के पास खाई में गिर गई, जिससे दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे पर दुख जताया है। शिमला में भारी बारिश से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई है। कल सोलन, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी में भारी बारिश दर्ज की गई। शिमला के कुछ हिस्सों में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और राज्य के कई हिस्सों में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रणनीतिक रूप से बेहद अहम चाबहार बंदरगाह का परिचालन अब भारत करेगा। ईरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्री अब्बास अंखोदी ने गुरुवार को कहा कि चाबहार पोर्ट भारत को 1 महीने के भीतर ही परिचालन के लिए सौंप दिया जाएगा। ईरानी मंत्री ने कहा कि भारत के साथ अंतरिम समझौते के तहत हम अब बंदरगाह प्रबंधन के लिए भारतीय कंपनी को सौंपने के लिए तैयार हैं। अब्बास अंखोदी नीति आयोग द्वारा आयोजित मोबिलिटी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। भारत के पश्चिमी तट से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। We already have signed the contract and everything is moving forward. I estimate that the Chabahar will hand it in within 1 month to Indian authorities. But I think the India as well thinks that our relationship is very essential in the region, so nobody from outside can make a very deep struggle for us. At the end of the day, we inner the region, we should find out some way for keeping security the region. और अब खबर अमेरिका के शिकागो में आज से शुरू हुए दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन की। अमेरिका के शिकागो में दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आज से शुरू हो गया। 1893 में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन के अलावा अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अमेरिका रवाना हो गए। उपराष्ट्रपति रविवार को शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है। इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन शुक्रवार से अमेरिका के शिकागो में शुरू हो गया। इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दलाई लामा समेत दुनिया के कई देशों से धर्म, राजनीति और उद्योग जगत समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अनेक हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। शिकागो में 7 सितंबर से 9 सितंबर तक होने वाले इस दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को 2 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हुए। उपराष्ट्रपति 8 सितंबर को शिकागो पहुंचेंगे और उसी दिन वो ग्रेटर शिकागो में अमेरिका के 14 तेलुगु संघों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग शामिल होंगे। 9 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे विश्व हिंदू सम्मेलन के आयोजकों से मुलाकात के बाद सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति का इसमें हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।
रविवार दोपहर 12 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि रविवार शाम वो भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में ही अपना प्रख्यात भाषण दिया था। उनके पहले ही वाक्य मेरे अमेरिका में रहने वाले भाइयों और बहनों ने वहां की जनता को सम्मोहित कर दिया था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पांस टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम। इस भाषण में उन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने सशक्त तरीके से रखा। इसके बाद से दुनिया में भारतीय दर्शन और धर्म को लेकर उनके दृष्टिकोण को एक नई पहचान मिली। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में हुआ था, जबकि शिकागो में हो रहे इस दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन की थीम सुमंत्रिते सुविक्रांते यानी सामूहिक रूप से चिंतन करें, वीरतापूर्वक हासिल करें रखा गया है। धर्म और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के अलावा इसमें आर्थिक, शैक्षणिक, मीडिया, सांगठनिक, राजनीतिक, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सत्र का आयोजन होगा। इसमें वैश्विक हिंदू समुदाय के मूल्यों, रचनात्मकता और उद्यमी भावना को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दक्षिण कोरिया के चांगबोन में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 16 वर्षीय निशानेबाज हृदय हजारिका ने जूनियर 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 8 स्वर्ण पदक समेत 18 पदक जीत लिए हैं। और अब क्रिकेट की खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट लंदन के ओवल में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इस समय ओपनर एलिस्टर कुक और मोइन अली क्रीज पर हैं। इंग्लैंड का पहला विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाया। उन्होंने कीटन जेनिंग्स को 23 रन के स्कोर पर आउट किया। सीरीज में 1-3 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया का जोर अब साख बचाने पर है। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।